हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई एम बैक विद अ न्यू ब्लॉग। और आज थी मामा की बर्थडे और मैं रात को जल्दी सो गई थी, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, तो इस वजह से मैं कोई डेकोरेशन वगैरह नहीं कर पाई। और सुबह उठी तो नाश्ते के फ़ौरन बाद मैंने मामा से पूछना शुरू कर दिया कि बताएँ क्या बनाओ, बताएँ क्या बनाओ। बहुत उनके साथ बहस हुई, वो कहते कुछ नहीं खाना, बस रहने दो, कुछ ना बनाओ। और मैंने कहा कि नहीं, आज आपकी बर्थडे, आज मैं कुछ करूँगी। और फिर मैंने मामा से कहा कि अच्छा मैं चिकन का कुछ बनाती हूँ, मैंने चिकन मंगवाना था। तो मामा कहते कि चलो ठीक है, फिर पीस मंगवा लो, मैं पीस बना लूँगी। तो मैंने कहा नहीं, आप रहने दे, फिर पीस तो मैं मंगवाऊँगी और बनाऊँगी भी मैं ही। और फिर मामा ने बोला कि ठीक है मंगवा लो। और यहाँ पर आप देखिए, मैंने चिकन पीस मंगवा दिए थे और मेरा भाई देख रहा है और मुझे पसंद है। वैसे मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी चिकन पीस घर पर, मतलब रोस्ट वगैरह करती हूँ ना, तो वो चिकन मंगवा कर ना सिंपल ही बन के थी तो कर लेती हूँ। तो ये मैंने मंगवाए थे 1 kg चिकन मंगवाना था। तो मैंने बोला, मामा कहती फिर उसे कहना कि बस पीस कर दे। और शुक्र है अच्छी आए थे वैसे ये। और मैंने इनको डीप कट्स लगाए, और क्योंकि गैस का कुछ पता नहीं होता कब आता कब जाते हैं, तो इतना पता है कि 12 बजे गैस आना था। आज जुमा था, खैर जुमा मुबारक। और मैंने इनको कट लगाया और मैंने फिर से, मेरे पास 15 मिनट थे इसको मैरिनेट करने के लिए, तो मैंने इसको मैरिनेट करना था। और ये देखिए मैंने डीप कट्स लगा कर इनको रख लिया है। और यहाँ पर मैंने योगर्ट लिया और उसके अंदर मैंने सारा कुछ, मतलब जो मुझे स्पाइसेस वगैरह ऐड करनी थी, मैंने वो सब कुछ ऐड किया। और उसके बाद मैंने चिकन पर लगा दिया सब। और मैंने 15 मिनट के लिए चिकन को फिर फ्रीजर में रखा था, और उसके बाद मैंने उसको फ्राई वगैरह जो बनाना था स्टीम कर लिया था। वो एक्चुअली हुआ कुछ यूँ था कि बीच में से कुछ मेरा ब्लॉग रह गया था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतनी गर्मी थी कि मैं कह रही थी मामा को सलाम करना पड़ेगा इतनी गर्मी में, पता नहीं कैसे काम करते। और फिर जुम्मे का टाइम हो गया था, नमाज़ भी पढ़नी थी, और मेरा मुझे तो जैन मास पर इत्र लगाना बहुत पसंद है, मैं हर 2-3 दिन के बाद लगा देती हूँ सब जैन मास को। और वह सब मेरे भाई के ड्रॉअर में पड़ा था जो कि लॉक था, और भाई मेरे गए थे जुम्मे की नमाज़ पढ़ने पापा के साथ। और ये देखिए जी, यहाँ पर फाइनल लुक इसकी ये आई थी। एक्चुअली मैंने रखे इस तरह कि लग रहा है कि दोनों आपस में जॉइंट है, बट नहीं, ये अलग अलग है। और ये खाने में बहुत मज़े का था, बहुत टेस्टी बना था। आप लोग कमेंट्स में बताएं अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए, तो मैं इसकी रेसिपी पर एक डिटेल्ड वीडियो बना दूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में लास्ट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।